अच्छा जी, नेक्स्ट जोड़ी जो है हमारी टिकटॉकर जोड़ी, जिसको मैं कहूंगी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आई गेस, है ना? और इन दोनों के मुनीब खान जो हैं उनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फिज़ा मुनीब के 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये मियाँ बीवी की तो फिर मस्ती वाली जोड़ी होती होगी कि भाई एक ही घर में, चलो जी टाइम मिल गया, हाँ जी वीडियो बना लो फारिग औकात में। तो वो वाली इनको हैदराबाद से सक्खर या सक्खर से हैदराबाद नहीं आना पड़ता होगा, लंदन से कराची, कराची से लंदन नहीं जाना पड़ता होगा। तो ये एक ऐसी जोड़ी है, आइए इनको हमारे शो पर बुलाते हैं, मुनीब एंड फिज़ा। आप लोगों की टिकटॉक की खास बात यह है कि आप लोग खुद कंटेंट बना के अपने ही वर्ड्स में और वो सारी चीजें जो है वो ऑन एयर करते हैं, है ना? मुश्किल भी होता है, लेकिन कौन लिखता है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट कुछ तो जोक सर्च कर लेते हैं, कुछ किसी से मशवरा कर लेते हैं और हाँ। कुछ आ जाते हैं देना। हाँ। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में पूरा दिन इतनी बातें हो रही होती हैं ना। हाँ। तो कंटेंट ऐसी निकल आता है। वाओ जबरदस्त भाई, ये तो बड़े मजेदार बातें हैं। तो ये क्या आप लोग खुद सोचते हैं या किससे गाइडलाइंस लेते हैं? सोचते कुछ तो, या कुछ रियल बातें भी हुई हैं कभी? हाँ। आपस में जिंदगी होती है ना, कुछ तो करंट इश्यूज भी होते हैं। तो ये लास्ट वाला था जो ये प्राइवेट स्कूल्स पे, वो करंट था। तो वो करंट इश्यू पे बनाते हैं ना, तो वो चीज भी ज्यादा वायरल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कब से कितने अरसे से बना रहे हैं आप लोग वीडियोस? तो अप्रैल में स्टार्ट किया दिस ईयर। लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। ओके, मेरा आईडिया अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और फिज़ा का तो मेरा ख्याल मई में जून में, मेरा 2-3 मंथ्स के बाद। तो जब आप लोग, वैसे आप क्या करते हैं प्रोफेशनली, आप क्या करते हैं? ये तो जर्नलिस्ट है, मैं प्रॉपर्टी का, गाड़ियों का सेल परचेज। अच्छा, तो कोरोना में जब कोविड का टाइम था तो आप लोगों को टाइम मिला होगा? जाहिर है, पूरा दिन हम लोग घर पे होते थे और अच्छा स्टार्ट किया और अच्छा रहा हमारा तो एक्सपीरियंस, क्योंकि 7 महीने में मिलियन क्रॉस कर गए आप लोग, तो वो तो कंटेंट मजे का है। की तरफ से हमें जो रिस्पांस है बहुत अच्छा मिला। अच्छा, मतलब हमने अपना कंटेंट दिया, पहले स्टार्टिंग में जब लगाई वीडियोस तो स्टार्टिंग में जो बहुत अच्छा रिस्पांस आपका आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो फिर जाहिर है कि फिर आप और मेहनत करते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो शायद हम इतनी मेहनत नहीं करते, क्योंकि एडिटिंग करना, कंटेंट सोचना, उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी गानों पे और इस तरह जैसे हम सब कर रहे होते हैं बने बनाया कंटेंट पे आप लोगों ने नहीं किया? बनाते हैं लेकिन कम बनाते हैं, ज्यादा अपना। हाँ, क्योंकि शायद जो एक चीज़ आप कह रहे होते हैं ना वो आपको आसान लगती है। हाँ। आप कोई कह भी देना गानों का तो वो जरा हमें मुश्किल हो रहा होता है, एक्सप्रेशन देना गानों पे। हाँ। कुछ करना, एक्ट करना, वो जरा सा मुश्किल लगता है। अच्छा, मियाँ बीवी होने की वजह से काफी लोग रिलेट करते होंगे, है ना? हाँ, बल्कि बहुत से वो ही मुझे लगता है शायद देखते हैं और शेयर। हाँ। बहुत ज्यादा करते हैं। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? हमारी 3 साल। 3 साल बच्चे हैं, एक बेबी अभी कोई वीडियो में आपने देखा वीडियो में ना। अच्छा, वो आपके घूम जाती है कभी? अच्छा, कभी कभार वो डिस्टर्ब नहीं कर रही होती? मोस्टली कर रही होती है। हाँ। कभी कभार नहीं, अक्सर कर रही है। फिर उसे कौन संभालता? बस उसको भी साथ साथ लेके चलते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं और कंटेंट भी तो जैसा बनाते हैं कि वो बेबी भी आ जाए। नहीं, हम बनाते नहीं है, लेकिन वो वैसी आती है, वो अपनी मर्जी से। वैसे पब्लिक की डिमांड काफी आ रही होती है कि इसको बेबी को भी लाया करें साथ। हाँ। लेकिन उसने सिर्फ डिस्टर्ब करने आना होता है, उसने वीडियो भी नहीं बनानी है आगे उसने। मतलब उसने पूरा दिन नहीं तंग करना होता। हाँ। और जिस टाइम पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं उस टाइम पे वो तंग है। ये सारे बच्चों का यही का मसला। तो आप भी जॉब करते हैं और आप भी जॉब करते हैं अब जब सारे, आपका अपना बिजनेस है, लेकिन जब अब ये सारी चीजें ओपन हो गई और दोबारा से काम शुरू हो गया, फिर आप लोगों को कब टाइम मिलता है टिकटॉक बनाने का? हम लोग टिकटॉक वैसे भी बहुत कम टाइम में बनाते हैं। अच्छा। असल होते हैं उसकी एडिटिंग का। अच्छा, टिकटॉक तो मुझे लगता है 2-3 मिनट्स में बन जाता है। हाँ, टेक में ही हो जाती है। हाँ, हम लोग नहीं लेते, लेकिन ये कि रात को फिर मुनीब एडिटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा। और अब टिकटॉक का मुझे लगता है कि इस तरह का एक नशा टाइप हो गया, हो जाती है ना, कि फिर आप दूसरी साइड पे नहीं जाते। जरूरी भी होती है जितना वो कंपटीशन। हमने 4 वीडियोस करनी होती है डेली पोस्ट, दो एक आईडी पे। हम लोग इतनी सी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जाहिर है फिर उसमें टाइम बहुत ज्यादा। तो आप दोनों के आईडीज पे सेम वीडियोस होती हैं? नहीं, अलग अलग। मतलब 4 डिफरेंट वीडियोस डेली पोस्ट होती हैं। अलग अलग। ओके ओके ओके।